हेल्थ वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका अपने चैनल हेल्थ वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से ही लाइक कर देना, और आपका हर एक लाइक मुझे इस तरह की वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देता है। धन्यवाद। जन्म से लेकर शुरुआती 6 माह में शिशु को पॉटी रिलेटेड समस्याओं से जुड़ी जानकारी इस वीडियो में देखें, और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको वीडियो में दी गई जानकारी समझ आ सके। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि अगर आप नई नई माँ बनी हैं और अगर आपका शिशु अभी 1 से 6 महीने के आसपास है तो आपको भी शिशु की पॉटी संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। तो आइए जानते हैं शिशु के जन्म से लेकर 6 महीने तक शिशु को पॉटी संबंधित समस्याओं की पूरी जानकारी। शुरुआत में नवजात शिशु का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना मजबूत नहीं होता, जिसके कारण उनको मल संबंधी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। उनको दस्त लग जाना या फिर कब्ज हो जाना एक आम प्रॉब्लम है। अगर आपका शिशु 5 से 7 बार दिन में पॉटी करता है तो चिंता ना करें, यह बिल्कुल नॉर्मल है। जब तक आप अपने शिशु को अपना दूध पिला रही हैं तब तक आपको बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका शिशु 1 हफ्ते तक भी पॉटी ना करे तो भी यह बिल्कुल नॉर्मल है, तब भी आपको टेंशन लेने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन शिशु अगर 10 दिन तक पॉटी ना करे तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं। जो शिशु माँ का दूध पीते हैं यानी कि स्तनपान पर निर्भर हैं, तो वह दूध में मौजूद सारे पोषक तत्वों को आसानी से पचा लेते हैं, जिस कारण शिशु कई दिनों तक पॉटी नहीं करते। ज्यादातर नई बनी माँ अपने शिशु के पॉटी के रंग को देखकर चिंतित हो जाती हैं, जैसे अगर उनका शिशु हरे रंग की या फिर ब्राउन कलर की या फिर ज्यादा पीले रंग की पॉटी करता है तो टेंशन में आ जाती हैं। इसमें चिंतित होने की कोई बात नहीं है। नवजात शिशु की पॉटी का हरा, पीला या ब्राउन कलर इसलिए होता है क्योंकि उसके दूध में लैक्टोज की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके कारण पॉटी का रंग ऐसा होता है। ज्यादा लैक्टोज की वजह से शिशु हरे, पीले या ब्राउन कलर का मल त्याग कर सकता है, तो ऐसे में टेंशन ना लें। अगर शिशु की पॉटी के साथ खून आए या फिर पॉटी का रंग सफेद या काला हो तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। माँ का दूध शिशु को दस्त से बचाने में सहायक होता है, इसलिए जो शिशु बोतल से दूध पीते हैं उनको स्तनपान करने वाली बच्चों की तुलना में दस्त होने का खतरा ज्यादा होता है। और अगर शिशु को दस्त लग भी जाए और अगर वह माँ का दूध पी रहा है तो टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। कब्ज के दौरान मल त्याग करते वक्त शिशु का चेहरा एकदम लाल हो जाता है, और कई बार मल बाहर निकालते वक्त उनको ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और उनका पेट काफी ज्यादा सख्त और ठोस हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने शिशु को स्तनपान करवा रही हैं तो शिशु को कब्ज की समस्या बहुत कम होती है, क्योंकि माँ का दूध आसानी से पच जाता है। लेकिन जो शिशु माँ का दूध नहीं पी रहे, बोतल से दूध पीते हैं, उनको कब्ज की समस्या ज्यादा होती है। अगर शिशु के मल का रंग सफेद या हल्का क्रीम या हल्का पीला है तो यह एक समस्या की तरफ इशारा कर सकता है। शिशु को पीलिया की वजह से ऐसा हो सकता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।